Hello IAS aspirants, welcome to Mission IAS. So this video will be very special for you if you are preparing for upcoming UPSC prelim exam जो कि 5 जून 2022 को होने वाला है. ठीक है, मात्र 100 डेज रह गए हैं एंड दिस टाइम इज़ अ प्रैक्टिस टाइम. मोर यू प्रैक्टिस मोर यू कम ओवर योर मिस्टेक्स. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, क्योंकि वो कहाँ सुने होगा दैट स्लोगन दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो दिस टाइम बिगर एंड बेटर एन अकेडमी अल्ट्रा कॉम्बैट. अन अकेडमी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को आप अपने घर बैठे ही कर सकते हो. वो भी देखिए, आपके पास हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एवरीथिंग नॉलेज है, लेकिन इसका यूज़ हो रहा है कि नहीं. तो इसलिए अन अकेडमी हर संडे को ठीक सुबह 11 बजे अन अकेडमी कॉम्बैट कंडक्ट करता है. तो आने वाले संडे यानी 27 फरवरी को ठीक सुबह 11 बजे एन अकेडमी कॉम्बैट होने वाला है, जिसमें 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सुबह 11 से 12 के बीच यानी 60 मिनट में होगा. और सिलेबस और क्वेश्चंस पूरे एज पर द लेवल ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम के होंगे, जिसमें अगर आप 1000 एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप राइट फर्स्ट 3 पोजिशन पाते हो तो आपको ये गिफ्ट दिया जाएगा. इसके अलावा अगर आप 1000 लकी पार्टिसिपेंट रहे तो एटलीस्ट आपको ₹5000 का गिफ्ट अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा. सो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके इनरोलमेंट कर लीजिए. और कोड मंगेगा तो ये कोड डालना अनिवार्य है, ज़रूरी है, MIYT10. इसके अलावा अन अकेडमी पर अभी राइट नो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है. अगर आप 2022 या 23 या 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कॉम्बो ऑफर ले सकते हो. दैट प्लस कॉम्बो मतलब इसके साथ ऑप्शनल कवर भी साथ रहेगा, प्रीलिम मेंस और ऑप्शनल भी कवर किया जाएगा. प्लस में आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज किया जाएगा, जबकि आइकोनिक में आपका एक सेल्फ एजुकेटर गाइड करेगा. तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एंड दीज आर द टॉपर्स हु रीच देयर डेस्टिनेशंस लाइक पाला मिश्रा, सत्यम गांधी, गौरव बुल्धानिया एंड जागृति अवस्थी. के टू क्रैक दिस एग्जाम्स, एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है प्रॉपर गाइडेंस दैट अन अकेडमी विल प्रोवाइड यू. ओके, एंड दिस आर द टॉप एजुकेटर्स दोज हु मेक यूर डिफिकल्ट टास्क, जो कि आपके डिफिकल्ट टास्क को आसान करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज मेन टॉपिक इलेक्टोरल बॉन्ड. कि पहला जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाता हूँ कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कौन इश्यू करता है, इस पर यूपीएससी डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पूछ सकता है. कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को जारी किया जाता है और उसकी कंडीशंस टर्म कंडीशंस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको 2 मिनट के अंदर बताऊंगा. तो आप पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो पॉज करके आप आंसर भी दे सकते हो. सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जारी किया जाता है. ज़रूरी नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करना है. ठीक है, ये जारी किया जाएगा फिनेंस मिनिस्टर के ज़रिए. फिनेंस मिनिस्टर ने तकरीबन 11 SBI की ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 11 ऐसी ब्रांच है, वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू करेगी. और इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिडीम करने की जो पीरियड लाइन है, डेट लाइन है, वो मात्र सिर्फ 15 दिन है. 15 दिन के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा. सो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो एंड इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज एंड सुपरवाइज द सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, नो फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है ये. ठीक है, तो सारे आंसर आपको देख सकते हो कि ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन कमीशन रिकग्नाइज कर. देखिए, इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट करवाना है. ओनली दोज पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट इन 1951 एंड सिक्योर्ड मिनिमम 1% वैलिड वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन, उनको ही मिल सकता है. और रिडीम करने का जो टाइमलाइन पीरियड है 15 डेज है. इसको सुपरवाइज और ऑथोराइज करता है करने वाली जो बॉडी है फाइनेंस मिनिस्टर है. फाइनेंस मिनिस्टर ने SBI ब्रांच को रखा है कि SBI ब्रांच से कहीं कोई किसी भी बैंक से इशू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इशू होगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. सो आई होप आई हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट. और इसके अलावा कि जो आने वाला कॉम्बैट जो परसों होने वाला है 27 फरवरी को, दैट इज़ द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर आपके लिए कि आप फ्री में एक्सेस करो, फ्री में आप अपनी नॉलेज को एसेस करो कि हाउ मच यू नो.
आपकी कमी कहाँ रह गई है, क्योंकि ये दिस इज़ द टाइम फॉर द कंटिन्यूस इवैल्यूएशन. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.